हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर दीपक चौधरी। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर सिमिलरिटी का कल लिए थे, और कल हम लोग ने जो लेक्चर लिए थे उसमें हम लोगों ने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, हेलो बेटा, सभी लोग को मेरी आवाज़ क्लियर दिखाई दे रही है? सभी लोग को मेरी आवाज़ आ रही बेटा? सबको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, बोलिए। अभी 2:01 टाइम है, तब तक इंतज़ार करते हैं कितने लोग लाइव जुड़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, ज्वाइन होने देते हैं। अभी 2:00, 2:00 बेटा। जो लोग भी इसे लाइव देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग को लिंक शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव लेक्चर का आनंद उठा सके। ओके, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है सिमिलरिटी, उसका हम लोग सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, लोग और जुड़ रहे हैं, जुड़िए, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट इंतज़ार करते हैं, 2 मिनट में कितने लोग आते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सिमिलरिटी का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर कल इसी समय 2:00 हुआ था। आप प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लोग क्या कर सकते हैं, चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड सिमिलरिटी लेक्चर 1 बाय दीपक सर के नाम का वीडियो होगा, उसी को आपको देखना है। ओके, हेलो ऋतुजा, कैसे हैं? सब बढ़िया बेटा। और अपने फ्रेंड्स को लिंक भेजिए, जिससे क्या हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आने की कोशिश करें। ओके बेटा ऋतुजा, आपको क्या बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है, बोलिए। बोलिए ऋतुजा, हमने सिमिलरिटी के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा, आ रही है आवाज़? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और हमने क्या किए थे, हमने रेशियोज निकाले थे 2 ट्रायंगल के एरियाज का, जिसमें बहुत सारे कंडीशंस लिए थे। पहली कंडीशन क्या लेके रखे थे, अगर कोई 2 ट्रायंगल की हाइट इक्वल हो तो उनका एरिया का रेशियोज उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियोज के बराबर होता है, या प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। ओके, हाय गंगाधर, हेलो, सब बढ़िया है? ओके, सेकंड कंडीशन क्या रखे थे हम लोग ने, अगर कोई 2 ट्रायंगल है उनके बेसिस इक्वल हो जाए तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ओके, हेलो केदार, केशव, बिल्कुल वेलकम। 4 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन होने, लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर के एंडिंग में एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड पे एक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अपने महाराष्ट्र बोर्ड के बुक का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, मराठी गंगाधर सिंधे, मराठी सांगा सर। बेटा मराठी ये जो है सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए है, मराठी में मुझे प्रॉब्लम है, मतलब मैं, ठीक है, मराठी हिंदी और इंग्लिश में बेटा, आप हिंदी में, आपको हिंदी समझ में आ जाती है ना, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना, हिंदी में। बेटा 4 लोग लाइव है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके,
चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रेंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी। देखो यहाँ पे एक ट्रेंगल आपको दिखाई देगा, ट्रेंगल ए बी सी, ये ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है बेटा। देखिए ट्रेंगल कौन सा है, ए बी सी, डी डी ऑन साइड बी, तो डी एक पॉइंट है साइड बी सी पे। ओके आगे क्वेश्चन कहता है इज सच दैट डी सी इक्वल टू सिक्स, मतलब हमारे पास जो डी सी की वैल्यू दे रखी है, डी सी की वैल्यू दे रखी है सिक्स। बात समझ में आ गई, डी सी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, सिक्स दे रखी है। अच्छा आगे चलते हैं, एंड बी सी इक्वल टू 15, और बी सी हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। बी सी कितना दे रखा है हमारे पास, 15 दे रखा है। ठीक है आगे चलेंगे, फाइंड एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन वाला हमें क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है, एक और सेकेंड कौन से ट्रायंगल का एरिया, कौन से ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है बेटा, यो है ट्रायंगल ए बी डी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए बी डी और ए डी सी के एरिया के एरिया का रेशियो निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है आगे चलते हैं, ओके क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर चलते हैं। ठीक है जो भी है अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए कॉमन वर्टेक्स है बेटा, किस किस का कॉमन वर्टेक्स है इस बात को लिख लेते हैं। डायग्राम दिख रहा है आपको, ए जो है कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का दिख रहा है, फिर ए बी पी का एंड ए पी सी। ओके इन सब ट्रायंगल का क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है डी सी इक्वल टू 6 और बी सी इक्वल टू 15। बात समझ में। और देखो डायग्राम में एक और चीज़ दे रखी है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इस बात को हम लिख लेंगे ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बी सी के ओर। ओके अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगी। ओके वैसे हम डिस्कस करेंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे प्यार से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके मुझे बताइए ए बी डी ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो मेरे हाथ को देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का दिखाई देगा, ए बी डी दिखा आपको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू बेस क्या ले लेंगे बेटा, बेस क्या लेंगे बी डी, बेस क्या लेंगे बी डी। बात समझ में। तो बेस ले लेंगे बी डी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी बताइए, हाइट क्या हो जाएगी, अगर बेस बी डी है तो हाइट कैसे लेते हैं, बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है वही हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एपी हाइट ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो इनटू क्या लिखेंगे हम लोग, एपी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है, तो एबीसी का बेस क्या हो जाएगा, बीसी। एबीसी का बेस क्या हो जाएगा, बीसी। अगर हम बेस क्या लेंगे, बीसी लेंगे, बेस क्या लेंगे, बीसी लेंगे, तो हाइट क्या हो जाएगा, बीसी के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है बेटा, ए। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगी, एपी ही हो जाएगी। वैसे मैं तो आपको एक चीज बता दूं, देखो यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल है सबका कॉमन वर्टेक्स ए है, तो सबकी सब ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, एपी ही होगी, सेम ही होगी। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ से हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से एपी और एपी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली बी डी अपॉन बी सी। क्या बचेगा बेटा, बी डी अपॉन
BC बचेगा, ओके। अच्छा, क्या हमारे पास BD की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है, तो BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप, है ना भाई, BD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? BC में से अगर हम DC को माइनस कर दे, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, BC में से अगर हम DC या CD को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? BD बच जाएगा। क्या बच जाएगा? BD बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ करके लिखेंगे, BD इक्वल टू लिखेंगे बेटा BC माइनस CD। क्या लिखेंगे? BC माइनस CD, ओके। तो देयर फॉर, है ना भाई, ये इसके वजह से, जबकि है ना, ये इसके वजह से हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी BC माइनस CD डिवाइडेड बाय BC। अच्छा, BC की वैल्यू गिवन कितनी है बेटा? BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। BC की वैल्यू कितनी है? 15। और DC की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो 15 माइनस 6 कितना होता है? 15 माइनस 6 कितना होता है? 15 माइनस 6 होता है 9 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? 3/2। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। आगे हमारे पास जो है सेकेंड क्या बोल रहा है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या लिखेंगे? ADC। बात समझ में आ गई? अच्छा, ABD ट्रायंगल को देखिए आप, ABD ट्रायंगल देखिए, ये है A, ये है B और ये क्या है? D। बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमने क्या लाए थे, क्या लिखे थे बेटा? हाफ इंटू बेस में आ जाएगा BD इंटू हाइट आ जाएगी AP। उसी प्रकार ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC देखो, तो ADC में जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? DC। और इसके हाइट क्या है? अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ इंटू DC इंटू AP। इसके लिए भी हाइट क्या होगी? सेम। यहाँ भी AP से AP क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और हाफ से हाफ कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास? BD अपॉन DC, ओके। अभी हमने BD की वैल्यू कितनी निकाले थे? BD की वैल्यू आ गई थी 9। BD की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 9। तो 9 अपॉन DC की वैल्यू कितनी है? सॉरी, यहाँ गलती हो चुकी है। BC की वैल्यू हमारे पास 15 है बेटा। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 15 है। तो यहाँ 15 करना पड़ेगा। तो 9/15 कितना हो जाएगा? 3/5। तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा? 3/5। यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे जो है BC की वैल्यू क्या लिखना था? 15 लिखना था, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। अगर आप 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा बेटा? क्लियर है सब? क्या सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई डाउट हो तो बोलिए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो कहिए। बोलिए बेटा, किसी को डाउट है कि नहीं? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं? बोलिए। आगे चले बेटा, कमेंट में लिखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गंगाधर, आपको क्या समझ नहीं आया बेटा? बोलिए। देखो मैं समझा रहा हूं क्या करना है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारे पास क्वेश्चन कहता है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड, ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, जिसमें DC इक्वल टू 6 दिया है, BC इक्वल टू 15 दिया है। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का रेशियो किसके साथ निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का रेशियो किसके साथ निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के साथ, ओके। तो हमारे पास तो गिवन है, ओके। तो हमने क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। इसी के बेस पे ये आ गया बेटा। बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं डाउट है, ओके बेटा।
ओके शिवाजी बिल्कुल आगे चलेंगे हम लोग अब, ठीक है आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले या नहीं चले, यस और नो बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ओके आगे चलते हैं, हाँ इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक डायग्राम दे रखा है बेटा, हमारे पास एक डायग्राम है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, हमारे पास इस टाइप का एक डायग्राम दे रखा है, ओके ए बी ए पी है, ये क्या है हमारे पास डी है, ओके आगे चलते हैं, और ये पॉइंट सी है। क्वेश्चन वाला क्या कहता है हमको, इन फिगर, क्वेश्चन वाला लिख रहा है इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी, पॉइंट डी इज ऑन साइड ए सी इफ ए सी इक्वल टू 16, डी सी इक्वल्स टू 9 एंड आगे लिखेंगे एंड बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, फॉलोइंग रेशियोज, तो हमें क्या करना है फॉलोइंग रेशियोज फाइंड करना है, ओके पहला रेशियो जो दिया है वो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहला ये दिया है। सेकेंड दे रखा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी अपॉन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके थर्ड रेशियो दे रखा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ओके ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5 में मिल जाएगा, ओके अगर आपके पास नोटबुक लेके बैठे हो तो पेज नंबर 5 में क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है अगर आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो। उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग ने एरियाज ऑफ, हमें रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल सीखे हुए हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, ओके स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हमारे पास गिवन क्या है ये लिखना पड़ेगा, हमारे पास गिवन है ए सी इक्वल्स टू 16, डी सी इक्वल्स टू 9 एंड बी पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बेटा, ए सी के ऊपर है, बी पी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ओके तो सबसे पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालना है, पहले इसको लिख लेते हैं डायग्राम में। ए सी मतलब ये हमें कहाँ कितना दिया है, 16 दे रखा है, ओके फिर आगे क्या दिया है, डी सी इक्वल टू 9, डी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 9 दे रखा है, तो आप समझ गए होंगे। तो ए डी निकाल लेते हैं, पहला काम क्या कर लेते हैं हम लोग, ए डी निकाल लेते हैं, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस, अगर आप पूरे ए सी में से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है अगर आप ए सी में से डी सी को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, ए डी मिलेगा, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी माइनस ए डी, ओके ए सी माइनस ए डी,
तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा आंसर 7। तो AD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ चुकी है। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन निकालेंगे। तो पहला है ना भाई, ये तो हमको निकालना था। ओके अब हमारे पास जो पहला है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिखो आप, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे। ओके तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD को देखेंगे, ये ट्रायंगल की बात चल रही है, ABD दिखा आपको। इस ट्रायंगल में अगर आप AD को बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, BP, BP इसकी हाइट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू AD इंटू BP, बात समझ में, डिवाइडेड बाय। अगर हम ABC की बात करते हैं, ABC मतलब सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो बेस क्या हो जाएगा, AC। अरे बेस क्या लोगे बेटा आप लोग, AC लोगे, तो AC लेंगे, तो AC के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, पॉइंट B। तो पॉइंट B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वो ही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू AC इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, BP से BP कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली AD अपॉन AC, क्या बचेगा, AD अपॉन AC। तो AD की वैल्यू कितनी निकाले बेटा हम लोगों ने, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 और AC, AC कितना है हमारे पास, 16, कितना है 16। तो आंसर आ जाएगा 7/16। ओके 7/ क्या आ जाएगा, 16। इसमें कोई डाउट है, देखो आप 16 से ज़्यादा इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, 7 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/16। ओके समझ में आई मेरी बात। अब क्वेश्चन नंबर टू मतलब क्वेश्चन पार्ट टू क्या कह रहा है, यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ओके हाँ सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके तो मुझे बताइए, अभी हमने BDC की बात चलेगी, तो BDC ये है, ये दिखा आपको BDC, ये BDC ट्रायंगल है। अगर ये BDC ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या हो गया बेटा, DC मतलब जो क्या है, 9 है, और इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, BP ही इसकी हाइट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, हाफ इंटू बेस में क्या लिखेंगे, DC इंटू हाइट क्या आ जाएगा, BP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, भी हमने निकाले थे, क्या निकाले थे, हाफ इंटू AC इंटू BP। तो यहाँ भी लिखेंगे हाफ इंटू AC इंटू BP, बात समझ में BP से BP कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, DC अपॉन AC, DC अपॉन AC। हेलो कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू DC इंटू BP हो जाएगा। ओके और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाले अभी, हाफ इंटू AC इंटू BP, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू BP, BP से BP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, DC अपॉन AC। तो DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, और AC की वैल्यू कितनी है, 16, तो क्या आ जाएगा, 9/16। क्लियर हो गया, तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 9/16। ओके बेटा क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है आगे जो है हमारे पास थर्ड वाला, थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड वाले में हम क्या लिखा है बताइए। अच्छा यहाँ तक अगर आपका हो गया हो तो हम क्या करते थे, रफ करता हूँ, अगर आपका कॉपी, आप क्या है साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठिए और कॉपी करिए। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, मैं थर्ड वाला डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके तब तक मैं इसे रफ करता हूँ, ये कॉपी हो गया बेटा आप लोगों का, सेकंड वाला आंसर आ गया है ना, फर्स्ट वाला तो यही है, तो मैं फर्स्ट वाले को रफ कर रहा हूँ, इसके बाद ये लिखना है फिर थर्ड लिखना है। ओके आप कॉपी करिए, इसे कॉपी कर लीजिए, इसके आगे फिर हम चलने वाले हैं थर्ड को लिखने वाले हैं। ओके तो थर्ड लिखेंगे, तो मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ओके थर्ड वाला मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ अभी। ओके बिल्कुल, तो क्वेश्चन जो थर्ड है, थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ए बी डी ए बी डी इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या आ जाएगा ए डी, बेस ए डी आ जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी बीपी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा बीपी हो जाएगी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी सी क्या हो जाएगा, बी डी सी का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट, इसके लिए भी बीपी हो जाएगी। ओके बात समझ में, एक बीपी से बीपी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए डी की वैल्यू हमने कितना निकाले बेटा 7 और बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी इसके लिए जो बी डी सी के लिए बी डी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डी सी, यहाँ पे आएगा डी सी और डी सी की वैल्यू कितनी है 9, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 7/9, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 7/9। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा, आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो बोलिए बेटा, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बोलिए, फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट है आगे चले नए क्वेश्चन की ओर बोलिए, नहीं है डाउट, ठीक है आगे चलते हैं। ओके आगे चलते बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है आगे चलते हैं। ओके बेटा आगे चलते हैं, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लास 10th ज्योमेट्री। ओके क्लास 10th ज्योमेट्री लेसन 1 सिमिलरिटी की प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हम करने वाले हैं। ठीक है अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए, लास्ट लेक्चर भी मैंने एक क्वेश्चन करके बताया था जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे बेटा। ठीक है पेज नंबर 5 आपका अगर महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं तो पेज नंबर 5 पे ध्यान दीजिए, पेज नंबर 5 पे प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा है बेटा, चलो लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ओके प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो क्वेश्चन लिखा है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, नहीं इज 9 है एंड हाइट इज 5। आगे क्वेश्चन कह रहा है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ओके प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है 9 है एंड हाइट इज 5 और उसकी हाइट कितनी है 5 है, तो कहने का मतलब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ले लेंगे और ट्रायंगल 1 ले लेंगे, है ना, गिवन फॉर ट्रायंगल 1 मान लेंगे, 1 ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, बेस 1 बेस कितना है हमारे पास 9, देखो लिखा है ना
बेस क्या लिखा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, तो बेस क्या है 9 एंड हाइट h1 इक्वल टू कितना देख रखा है बेटा 5, हाइट कितनी दे रखी है 5, तो ट्रायंगल 1 के लिए हमने नोटेशन लिख दिए बेस को b1 और हाइट को क्या लिख दिए h1 इक्वल टू 5। उसी प्रकार फॉर ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल 2 दूसरा ट्रायंगल है तो इसको हम ट्रायंगल 2 लिख लेते हैं, तो ट्रायंगल 2 के लिए हमारे पास जो बेस दिया है वो कितना दे रखा है बेटा, द बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 10 कॉमा एंड हाइट, हाइट कितनी दे रखी है तो यहाँ बेस b2 लिखेंगे b2 और हाइट क्या लिखेंगे h2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, हमारे पास क्या दे रखा है हाइट इज 6, यहाँ देखो लिखा है एंड हाइट इज 6। क्या फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड आउट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये जो दो ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो हमें क्या करना है फाइंड करना है, बात समझ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बाद में लिखेंगे फाइंडिंग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, देखो ट्रायंगल 1 को मैंने किससे डिनोट किया, ट्रायंगल का साइन दिया और नीचे 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अगर हमने आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके बेस और हाइट के रेशियो के प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट के रेशियोज के बराबर होता है, बात समझ में रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट, क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो मुझे बताइए बेस 1 कितना दे रखा है हमारे पास 9 और हाइट 1 कितना दे रखा है 5, उसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल के लिए जो बेस है वो कितना दे रखा है 10 और हाइट कितना दे रखा है 6, तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 कट जाएगा 10 टू जा 9 कटेगा 3 से 3 टाइम्स और 3 से 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 3/4, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3/4, बात समझ में आई कि नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा 3:4। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3:4, क्या आंसर आएगा 3:4, बात समझ में आई कैसे आया, मैंने आपके सामने बता दिया। प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया है, अगर आपको कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा, कोई डाउट है आपको बोलिए, कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है। तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1.1 में कितने टोटल क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के दिन बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, हम कल नेक्स्ट क्लास में यही टाइम दोपहर के 2 बजे करेंगे, ओके बात समझ में आ गई। बेटा आपको इस टाइम के अलावा कोई दूसरा टाइम चाहिए क्या, इस टाइम आप सभी लोग फ्री रहते हैं बिल्कुल, क्लास 10th के स्टूडेंट्स बोलिए। अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन बताया समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ओके बेटा। तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके। रिपीट करा सर, बेटा देखो जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज, एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या दे रखा है 9 एंड हाइट क्या दे रखी है, हाइट इज 5, हाइट 5 दे रखी है, उसी प्रकार बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 दे रखा है एंड बेस इज 6, बेस क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो हमें क्या करना है फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो उन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो बस निकाल दिया हम लोगों ने, है ना, अभी तक हम वही तो कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 निकाले, उनका रेशियो निकाल दिए, सॉल्व कर लिए, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 3/4 आ गया, ओके। उम्मीद है कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे बेटा, ओके मिलते हैं कल यही टाइम पे, ओके थैंक यू।
तो ये क्लास आपकी समाप्त होती है बेटा। थैंक यू।